यार वो ऑब्वियसली हम अब बात कर रहे थे जिस तरह से आप ऑलरेडी पांच बार आपने बताया कि पांचवी बार आप गए हैं इस तरह से बाइक पे हाँ बाइक पे वैसे तो आप कितनी बार गए 100 बार गए होंगे लेकिन स्टिल ये वाला आपका ट्रिप कैसा रहा और जिस तरह से इमरान ने कहा कि बहुत सारे लोग जाते हुए प्लानिंग करते हुए सोचते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं बाइक पे जाना ये सारी चीजें बड़े उसके काम कंफर्ट जोन से निकलने में मसला होता है तो आपका ये जर्नी किस तरह का रहा और इस पे भी थोड़ा गाइड हमारे देखने वालों को कंफर्ट जोन बेसिकली क्या है कंफर्ट जोन ने हमें पिकनिक तक महदूद रखा हुआ है ना क्योंकि हम पिकनिक तक जा सकते हैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के लेकिन ट्रैवलिंग टूरिज्म ये और इतनी दूर जाना ये लफ्ज बहुत बड़े हैं ट्रैवल और टूरिज्म का इसके लिए एक और तरह की चीज चाहिए मैं आपको एक छोटा सा एक बता दूंगा मेरे बहुत पुराने जानने वाले थे तो उनकी कोई इतनी इनकम नहीं थी मतलब थोड़ा सा लेकिन वो बहुत शौकीन थे तो बाद में कई लोग हमें कहते हैं ना जब अभी भी मैसेजेस करते हैं कि आप तो बड़े लकी हैं ना आप इस तरह घूमते हैं अच्छा मैं उनको ये नहीं बता सकता कि इसमें कुछ और चीज़ भी है जो आपके जहन में है ना कि शायद कोई पैसा इन्वॉल्व है ऐसा नहीं है जिस बंदे ने टूर करना है उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती अच्छा वो एक एक क्लास फोर टाइप की जॉब करते थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ तो वो गए टूर पे और वापस आए और उन्होंने कहा जी मैंने पूछा मैंने कहा कितना खर्चा आया टूर पे उन्होंने कहा जी 3,100 रुपये फॉर 10 डेज 10 दिन का खुजराब तक का उनका टूर था तो मैंने कहा 3,100 इतने वो भी याशी की है इस वजह से 3,100 वरना ये 3,100 नहीं होना था कैसे गए वो बेसिकली उन्होंने बाईसाइकिल निकाली कैंपिंग उनके पास थी छोटा सा स्टोव था उनके पास चूल्हा वो रास्ते में एक बार सब्जी पकाते भी थे तो किसी सब्जी की दुकान से अगर आप कहेंगे यार ये एक टीना दे दो एक शलजम दे दो दो सब्ज मिर्ची दे दो बेचारा पैसा नहीं लेता ना और जब स्पेशली आपको देखा है कि आप टूरिस्ट हैं तो वो कहते हैं कि ये तो कभी कभी वो दिल बाइसाइकिल पे गए वो बाइसाइकिल पे ना तो 10 दिन का उन्होंने टूर किया अच्छा वापस आए तो 3,100 जो बता रहे थे वो कह रहे थे कि ये अय्याशी की नजर हुआ है उस वक्त कभी कभी दिल करता था कि आज छोड़ो क्या पकाना है होटल में खाएंगे या आज जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक पी लें या इस तरह के मामले कहने का मतलब ये आपको नहीं रोक सकता जो फाइनेंशियल मामलात हैं ये आपको नहीं रोक सकता अगर आपने हाँ अगर आपने जाना है जिन्होंने जाना है वो वहां पे जितने भी लोग होते हैं ना गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन टूर वो सारे के सारे कोई हम्बल से बैकग्राउंड बैकपैकर्स लेकिन वो जिन्होंने जाना है वो राइट टाइम है राइट सीजन है जाने का ये तो बारिशें वगैरह हो रही है थोड़ा सा बारिशों को अवॉइड किया जाए ठीक है बाकी जो बाइक का मोटरसाइकिल का जो सफर है मेरा ख्याल है तो उसको अभी ज्यादा से ज्यादा स्पेशली मुझे ज्यादा है खवातीन आए गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी खवातीन आ रही हैं मोटरबाइक्स के ऊपर लेकिन उनकी एक खास तादाद हो ताकि खवातीन जो ये कैसे हो सकता है सर इस तरह हो सकता है थोड़ा सा हम खैर बच्चियों को एम्पावर करने वाली बात अभी तो हम अभी तो मेल जो है वो बहुत सारे आपसे ये पूछ रहे होते हैं कि अच्छा वो बाइक पे गिलगित कैसे जाते हैं आप तो एक उनको होता है कि बाइक तो इसमें सोशल बैरियर्स की बात अपनी जगह है लेकिन दूसरी जगह चैलेंजिंग नहीं होगा एक खातून के लिए कुछ चैलेंजिंग नहीं है यानी आपके आपके जहन में पहला तस्वीर जाता है मोटरसाइकिल के हवाले से कि यार ये तो बड़ा रिस्की है पहाड़ों में पहाड़ों में मैं आपके मजे की बात बताऊँ की कार की बनस्बत किसी भी दूसरी सवारी की बनस्बत मैं इसको महफूज सवारी तस्वीर करता हूँ इससे ज्यादा महफूज नहीं है आप ही ड्राइवर हैं आप ही जबरदस्त मतलब आपने बाकी ऑफ कोर्स हेलमेट पहना हुआ है बाकी जो चीजें हैं उनको फॉलो करते हैं लेकिन जो जिस तरीके से आप आजादी से ये टूर करते हैं जो मोटरसाइकिल के ऊपर होता है जिसमें आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप खास जबर के शिकार होते हैं कि यार पता नहीं मैं साहब शहर पे रुकना तो चाह रहा था लेकिन ये जो आपने बात छेड़ी थी तो आपने अपने सोशल पे भी मेंशन किया मैं इसलिए आखिरी सवाल हादसात बड़े होते हैं और बड़ी अहम शख्सियात भी इसमें वो जियाउल करीम का आपने लिखा हुआ था बड़े फेमस म्यूजिशियन थे इसकी फिर क्या वजह है वहां पे अगर ये देखिए खुद एहतियात नहीं करते अगर आप स्टेटिस्टिक्स निकाले ना तो जो आपके हाईवेज का डाटा इधर की हाईवेज हैं या आपके शहरों का डाटा इसमें यहाँ पे ये स्टेटिस्टिकली यहाँ पे 100 ऑफ टाइम्स हादसा ज्यादा होते हैं देखिए वहां पे रजिस्टर्ड हो जाता है जब वहां पे कोई हादसा होता है वो रजिस्टर्ड हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन कम है और ऑफकोर्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो वहां पे एक चीज हो जाती है लेकिन उसकी बनिस्बत यानी अब देखें जियाउल करीम जो है वो हुए ये एक वाक्य है हो सकता है कि हफ्ते में एक दफा और कोई वाक्य खुदा न खास्ता पेश आ जाए लेकिन ये फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे डेली बेसिस डेली कुछ हो रहा है हमारे दफ्तर के बाहर डेली आते जाते और जो वहां पे भी हो रहा होता है चले एक हफ्ते में एक दफा या दो हफ्तों में एक दफा ठीक है वो भी किस तो वो कहीं भी किसी गफलत की वजह ये नहीं है अपनी किसी किसी गफलत की गफलत की बिल्कुल ठीक गुड लक फॉर गजर आप जो कवर करने जा रहे हैं और आगे जो आपके चित्राल वगैरह सारा जरूर देखिएगा जी वैसे तो अभी सिलसिला चल रहा है लेकिन आपको दिखाएंगे कि उन्होंने किया क्या वहां पे और थैंक यू फॉर द लाइव इंटरेक्शंस बाय द वे उसको भी बड़ा मजा